हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की ओर से 2023 में लार्ज स्केल में रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। और आप सभी कमेंट करके भी बोल रहे थे कि सर प्लीज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो बनाइए, जिसमें इस विभाग के बारे में आप सारा जानकारी प्रोवाइड करिए। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, कैसे स्थापना हुआ, कब क्या क्या हुआ, कब इंपॉर्टेंट डेट्स हुआ, सारा डिटेल बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये वीडियो है और इसके बारे में आप लोगों को जानना भी जरूरी है। आप सभी का इसका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, प्यार सा कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आओगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा। और आईटीआई वालों के लिए स्पेशल वेबसाइट है www.itieducation.com। यहाँ पे आईटीआई से जुड़ी सारा अपडेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरी से अपडेट हो या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आंसर की, सिलेबस, प्रीवियस पेपर, कट ऑफ मार्क्स, सारा अपडेट मिलता है। तो आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप सभी फिल कर दीजिए, जिसका लिंक मेरे वेबसाइट पर दिया गया है। तो गाइज ये मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ आप सभी के लिए और इस पीडीएफ में मैंने सारा चीज़ अटैचमेंट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं ओवरव्यू बता देता हूँ मैं फुल, उसके बाद आप लोग को डिटेल बताऊँगा कैसे कब कब नियम बना, कब कैसे स्थापना हुआ, कब राष्ट्र को समर्पित किया गया, वो सारा डिटेल बताऊँगा। लेकिन पहले जो मोटा मोटा जानकारी है वो जानना जरूरी है, वो पहले देख लीजिए। तो बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये फॉर्मेशन कब हुआ था, ये कब स्थापित हुआ था, कब इसका स्थापना हुआ था, तो 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुआ था। फाउंडर कौन थे इनके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे फाउंडर ऑफ बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फाउंडर थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मुख्यालय कहाँ पे है बार्क का, तो मुख्यालय है ट्रांबे मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय स्थित है। इनका मोटो क्या है, यानी कि इनका आदर्श वाक्य जिसको हम लोग बोलते हैं, सभी एक विभाग का आदर्श वाक्य होता है, सभी का आप लोग देखते भी होंगे आदर्श वाक्य लिखा हुआ रहता है। तो आदर्श वाक्य है एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के सेवा में परमाणु। और यहाँ पे आप लोग ये देखिए लोगों में लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। तो ये है इनका मोटो यानी आदर्श वाक। डायरेक्टर अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम लोग निदेशक बोलते हैं, तो अभी निदेशक है जो बार के, ये है अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो है अभी डायरेक्टर है प्रेजेंट टाइम में बार के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यहाँ पे ये विभाग जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में DAE बोलते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसका डायरेक्टली जो यहाँ पे कंट्रोल होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के अंतर्गत ये डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बाद बाकी इनको पहले क्या कहा जाता था फॉर्मली कॉल्ड, मैं आप लोगों को तिथि बताऊंगा उससे पहले क्या कहलाया जाता था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। पहले ये कहलाया जाता था फॉर्मली कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AEET के नाम से भी पहले जाना जाता था। मैं अभी लोगों को डेट भी बता दूंगा कब पहले इनका नाम ये था AEET, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। उसके बाद फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अभी मैं इनका इमेज भी दिखा देता हूँ और यहाँ पर देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा दिया हो, ताकि आप लोग को इमेज से ही पता चल सके। यहाँ पे है, यहाँ पे इनका फोटो भी लगा दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इनका एक यहाँ पे ये जो है बार्क का ये मैं फोटो लगाया हुआ ऑफिस का है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, मैं उसके बारे में बताऊँगा जो आप लोग को भी जानना जरूरी है। तो गाइज ये तो ओवरव्यू था जो आप लोग को जानना जरूरी था, ये मतलब कि ये बोल सकते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे स्थापना हुआ, कैसे क्या कब इम्पोर्टेंस नियम बना, कब रूल्स बना, तो वो आप लोग को भी जानना जरूरी है, ताकि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ सके।
तो यहाँ पे मैंने ये इंग्लिश में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ और यहाँ पे हिंदी में भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ और यहाँ पे फुल वाला जो यह है यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ करके आप लोग यहाँ पे सुनिएगा और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी नोट कर लीजिएगा डेट वगैरह, और यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मार्च 1944 में सर दौर बजी टाटा ट्रस्ट से भारत में नाभिकीय अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए संपर्क किया, जिसके फलस्वरूप मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 1945 को किया गया है। यानी कि स्टार्टिंग में इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किनसे संपर्क किया, तो दौरबजी टाटा ट्रस्ट से संपर्क किया, जिसके फलस्वरूप एक इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको TIFR बोलते हैं। यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, जिसका उद्घाटन कब हुआ था 19 दिसंबर 1945 को किया गया। उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया और दिनांक 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापित की गई। तो ये जितने भी पॉइंट है ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद ये जो दो इंपॉर्टेंट डेट हुआ कि 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ, देन उसके बाद 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा दिनांक 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रांबे AEET की शुरुआत की गई। यानी कि देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बार्क का जो स्थापना बोलते हैं कब हुआ था, तो ये वही डेट है। तो देखिए जो जब स्थापना हुआ था 3 जनवरी 1954 को जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, पहले उस समय जो है बार्क को AEET के नाम से जाना जाता था। यानी कि यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रांबे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रांबे, यानी कि AEET। यानी कि जिस समय जब स्थापित किया गया था 3 जनवरी 1954 को, उस समय बार को हम लोग किस नाम से जाना जाते थे, तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट नोट कीजिएगा AEET, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रांबे। और जब बार को कब चेंज किया गया मैं भी वो भी बताऊंगा, नेम कब AEET को बार कर दिया गया, तो मैं भी वो दिखाऊंगा, मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। पहले ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए दिनांक 3 अगस्त 1954 से प्राकृतिक संसाधन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा आयोग को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लाया गया और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत सरकार की ओर से विभाग के सचिव बने। यानी कि जो पहले जो ये विभाग आता था ये इस विभाग के अंतर्गत आता था, प्राकृतिक संसाधन वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, बाद में ये जो विभाग है ये इसको लाया गया परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, जिसका उस समय जो कौन बने थे विभाग के सचिव फर्स्ट टाइम जो बने थे वो बने थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फर्स्ट टाइम जो बने थे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो देखिए परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रांबे को औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिनांक 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यानी कि जो परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसको AEET के नाम से जानते थे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रांबे को तत्कालीन जो उसमें प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिनांक 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को क्या किया गया, समर्पित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने AEET को पुनः निर्मित कर दिनांक 12 जनवरी 1967 को इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की दिनांक 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में हुई मृत्यु के पश्चात उसको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि थी। तो गाइस देखिए यहाँ पे नाम जो कब चेंज हुआ, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जा रहे थे फ्लाइट से यहाँ पे बॉम्बे से लंदन, लेकिन फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गया फ्रांस में। तो उस दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो उसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ पे ये जो दुर्घटना हुई ये कब हुई थी, ये 24 जनवरी 1966 को हुआ था। ये बात आप लोग को ध्यान रखना, इसी डेट के दिन में यहाँ पे जो फ्लाइट जा रहा था एयर इंडिया का, वो जो है वो टकरा गया था फ्रांस में, जो एक इम्पॉर्टेंट दुर्घटना थी। तो देखिए वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये जो इनका जो पहले AEET के नाम से जाना जाता था बार्क, तो उसको नाम को चेंज करके यहाँ पे
12 जनवरी 1967 को भाभा परमाणु अनुसंधान रखा गया। और ये क्यों रखा गया, तो इनका जो डेट हो गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनको श्रद्धांजलि के तौर पे इनका नाम चेंज किया गया, कहा कि इन्हीं के नाम पे रख दिया जाए। तो ये काम हुआ था प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, यहाँ पे देख सकते पुनर्निर्मित कर करके 12 जनवरी 1967 को इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। तो इस वजह से यहाँ पे डेट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सभी डेट आप लोग को याद रखना है। तो इसी डेट ये सभी इंपॉर्टेंट है। और देखिए पहले मैंने बताया कि इसको AETT के नाम से जाना जाता था, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। तो गाइस ये इसका पूरा स्थापना कब हुआ था, कैसे हुआ था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बाद बाकी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि जो एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था वो भी बार्क के द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम के सपोर्ट से, और जिनके लीड कर रहे थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो देखिए यहाँ पे ये भी पोस्टर देख सकते हैं, कब हुआ था ये देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होता है, ये बात 50 के दशक में भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कही थी। इसके बाद एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की ऑपरेटिंग 4 अगस्त 1956 में मुंबई स्थित भाभा रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में शुरू हुई। इसकी रूपरेखा डिजाइन भाभा और उनके सहयोगी वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने तैयार की थी। उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद उस समय इसके डायरेक्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। होमी जहांगीर भाभा भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का जनक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्टर था फर्स्ट टाइम एशिया का भी पहला रिएक्टर था, और ये यूनाइटेड किंगडम के सपोर्ट से बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ये मैं भी बता दिया गया हूँ, मैं लिख दिया हूँ। ये जो रिएक्टर था अप्सरा, तो ये वाटर स्विमिंग, ये लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था, और इसमें एक बार में 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का मतलब कैपेसिटी था। और रिएक्टर में भट्टी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें एल्युमिनियम यूरेनियम की मिश्र धातु से तैयार प्लेटों को जला करके एनर्जी बनाई जाती थी। और इसमें एक विशेष फ्यूल यूज किया जाता था यूरेनियम, जो यूनाइटेड किंगडम से आता था। और देखिए ये 2010 में ये बंद हो गया था, बाद में ये अपग्रेड हुआ था अप्सरा यू के नाम से, यानी कि अप्सरा यू जिसको अप्सरा अपग्रेडेड की नाम से एक न्यू रिएक्टर हुआ था जो 2018 में शुरू हो गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि फर्स्ट रिएक्टर जो था वो अप्सरा था। तो इसके बारे में यहाँ पे बता भी दिया हूँ, यहाँ पे ये इमेज वगैरह भी लगा दिया हूँ। और यहाँ पे अभी ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ ये भी कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो प्रेजेंट यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रेटरी है, ये है अभी बने हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंते, और ये चार्ज लिए हैं 3 मई 2023 को। पहले ये थे श्री कमलेश नीलकंठ व्यास, पहले मतलब ये थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी, लेकिन अभी बन गए हैं जो बार के अभी जो यहाँ पे निदेशक है डायरेक्टर है वही बन गए हैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सेक्रेटरी, यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार महंते, और ये चेयरमैन भी है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो ये पहले वाले ये थे, यहाँ पे ये सर जो इमेज में देख रहा हूँ ये सर है, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और चेयरमैन AEC एंड सेक्रेटरी DAE, ये अभी है तीनों पोस्ट पे अभी ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सर है, यहाँ पे आप सभी यहाँ पे ये भी इमेज मैंने लगा दिया हूँ। तो गाइज यही था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, आप सभी कमेंट करके बोल रहे थे कि सर प्लीज़ एक फुल डिटेल वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोग के लिए बना दिया हूँ। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट है वो आप सभी नोट कर लीजिएगा, और ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम में, जो आप लोग एग्जाम होने वाला उसमें आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी मुझसे मिस्टेक भी हो गया होगा बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाद बाकी कैसा सेशन लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।